हम लोग कंटिन्यूअस लाइजन बनाए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ। हमारे जनरल मैनेजर मिस्टर एमसी चौहान ने चीफ सेक्रेटरीज हरियाणा और पंजाब दोनों से बात की है और उनसे जैसे भी आदेश मिल रहे हैं उसके अनुसार हम गाड़ियों को रेगुलेट कर रहे हैं। अगर हम 27 तारीख तक का लें तो हमारी टोटल गाड़ियाँ जो अफेक्ट हो रही हैं वो 650 के आसपास हैं, जिसमें से 600 कैंसिल हैं और 50 शॉर्ट टर्मिनेट हो रही हैं। ये सब ट्रेन नंबर के हिसाब से है, ट्रेन ट्रिप्स के हिसाब से है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आज 26 तारीख को हमारी काफ़ी गाड़ियाँ अफेक्टेड हैं, लगभग इनकी संख्या 340 के आसपास है, जिसमें 190 हमारी पैसेंजर ट्रेन्स हैं और बाकी मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं। और इंपॉर्टेंट रूट जितने भी हरियाणा पंजाब की तरफ जाते हैं उसमें सभी पैसेंजर और सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें कैंसिल्ड हैं। सिर्फ दो रूट ऐसे हैं हरियाणा की तरफ जाने वाले, एक पलवल होकर सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे को जाता है बॉम्बे की तरफ, उस पर ट्रेन्स चल रही हैं। दूसरा रिवाड़ी होकर जयपुर की तरफ जाता है, उसकी ट्रेन्स चल रही हैं, लेकिन उसमें भी जो ट्रेनें पंजाब की तरफ से आती हैं वो कैंसिल्ड हैं। और हमारा फिरोजपुर मंडल, अंबाला मंडल, इसकी करीब करीब सभी ट्रेनें आज कैंसिल्ड हैं। और कल का हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के टच में हैं, जैसा उनसे इंस्ट्रक्शंस मिलेगा उसके हिसाब से गाड़ियों को रेगुलेट करेंगे। आज के बारे में फिर से बता दें, आज कितनी ट्रेनें कैंसिल की गई हैं? आज 340 गाड़ियाँ कैंसिल्ड हैं, जिसमें हमारी 150 मेल एक्सप्रेस हैं और 190 पैसेंजर ट्रेन्स हैं। लगभग सभी गाड़ियाँ जो हरियाणा पंजाब में चलती हैं अदर देन पलवल रूट एंड रिवाड़ी रूट, वो कैंसिल्ड हैं।